नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल टेक बाइस में। दोस्तों हम बात करेंगे राजस्थान संविदा कर्मी परमानेंट न्यूज, 15 साल वालों और 9 साल वालों का नियुक्ति लेटर कब तक मिल रहा है, आखिर शमशेर भालू खान ने कौन सा ऐलान किया है, कितने ग्रेड पे कितनी सैलरी होगी, किसे कितना ग्रेड पे मिलेगा, सब कुछ बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, संविदा कर्मी से जितनी भी अपडेट आएंगी सबसे पहले मैं आपको देने का काम करता हूँ, आप लोग देखते भी होंगे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि 15 साल और 9 साल वालों को नियुक्ति लेटर कब तक मिलता है। जैसा कि दोस्तों 15 साल वालों का डिले इसलिए हो रहा था कि 9 साल वालों को भी पास मतलब नियमित किया जाएगा, इसलिए रुक गया था, आप लोगों का लेटर नहीं मिला था। अब जो है दोस्तों खबर आ रही है शमशेर भालू खान के द्वारा कि आज शाम से लेकर के कल तक आप सभी को जो है नियुक्ति लेटर्स मिल जाएंगे और 5 साल वालों पर भी विशेष चर्चाएँ चल रही हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, सैलरी किस आधार पे मिलेगी, किसे कौन सा ग्रेड पे मिलेगा। तो अगर आप 10वीं पास हैं और संविदा पे काम कर रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों जो है आपके लिए जो है 2400 ग्रेड पे, 10वीं पास वालों के लिए दोस्तों 2400 ग्रेड पे की सैलरी मिलेगी, यानी मान के चलिए आपके टोटल 24,500 रुपये के आसपास आप सबके सैलरी होंगे 10वीं पास वालों के। 12वीं पास और अच्छे पोस्ट पे काम करने वाले को जो है दोस्तों 2800 ग्रेड पे की सैलरी मिलेगी, जो कि आपको लगभग पड़ जाएगा आपका 29,000 रुपये, यानी आपको 29,000 रुपये की सैलरी मिलेगी दोस्तों 12वीं पास वालों की। और ग्रेजुएशन वालों के लिए दोस्तों जो है कितना ग्रेड पे मिलेगा वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों को 3600 ग्रेड पे का सैलरी मिलेगा, यानी मान के चलिए आपके 38,000 रुपये जो है हो जाते हैं पूरे 38,000 रुपये। तो दोस्तों एक ग्रेड पे इतने ग्रेड पे आप लोगों को सैलरी मिलेगी, और जहाँ तक संभावनाएं निकल के आ रही है दोस्तों आज शाम तक या तो कल सुबह तक आप सभी को जो है नियुक्ति लेटर मिल जाएगा। अगर आज शाम और कल तक नहीं मिलेगा दोस्तों तो आपकी भर्ती जो है आपकी नियुक्ति जो है टंग जाएगी आचार संहिता में कहीं जा करके, तब बड़ा ही मुश्किल होगा। तो शमशेर भालू खान ने जो है पूरे का पूरा प्रेशर बनाए हुए हैं, वो आप लोगों को जो है नियुक्ति दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 5 साल वालों को भी दोस्तों परमानेंट होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आचार संहिता से पहले वो हो जाएंगे, लेकिन उनकी प्रोसेस चल रही है, वो भी होंगे लेकिन कुछ टाइम लगेगा, बस आप लोग इंतज़ार करिए। धन्यवाद दोस्तों, बस आज का वीडियो इतना ही है, जय हिंद।